ने भी उनको भांप लिया है कि राइट हैंड साइड पर उनको नहीं देखना है उनको। किलपीट हल्का सा डिलेमा में नजर आती है यहाँ पर, ओमेगा जो पिक हुए थे पहले, लेकिन आदित्य भी पिक्स निकालना शुरू कर चुके हैं, सो वो थोड़ा सा एक दूसरे एंगल पर फाइट हो जरूर रहा होगा। लेकिन अब बात इन दोनों की आती है, दीज टू टीम्स कैन डिले फाइट क्योंकि सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर तो आपको एक सेफ्टी क्वेश्चन मिलता है कि आप फाइट ले ही ना आगे जाकर। करेक्ट, एंड यहाँ पे मैं आपको याद गोशन बोला था कि आईएम के लिए रोटेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, अभी ओवर वो चीज को करेक्ट प्रूफ कर रही है। जिस पोजीशन में ओवर ने उनको पकड़ लिया था वहां से उनके लिए बच के निकलना बहुत मुश्किल। ऑल्सो काफी इंटरेस्टिंग था, यू नो केतन एंड सांगवान वी नो ऑफ स्क्रीन बेस्ट फ्रेंड्स है, दोनों अभी एक दूसरे के साथ फाइट हो रहा था जहाँ केतन प्रोन करके स्प्रे ले रहा था। दिस इज द फन पार्ट ऑफ यू नो अगर आप स्टीमर्स बैटल की बात करो जहाँ पे हमें क्लोज फ्रेंड्स नॉट एज हार्डकोर कॉम्पिटिटर्स बट एज बोल सकते हो फ्रेंडली कॉम्पिटिशन में देखने को मिलता है, मजा आता है, यू नो इट्स ऑलवेज फन। मीनवाइल ओवर ने यहाँ पे पुश कर चुके हैं, so confident right now Clash Universe team, वहाँ पे श्रीमान भाऊ है open में जिनके सामने Clash Universe है, पर एक interesting बात यह है कि उनके teammates भी अब revive हो चुके हैं, उन लोग अपना position ले चुके हैं, क्या रहेगा यहाँ पे Clash Universe के players का अगला step? सबसे मेन यहाँ पर दोनों टीमों के लिए एक बात रहनी चाहिए और वो है कि सर्कल को इस समय रिस्पेक्ट देना चाहिए, बिकॉज आप देखिए जोन आना शुरू कर चुका है, चाहे आप जोन के बाहर फाइट डिले करवाएं, जोन तो आपको डैमेज दे रहा है अगर प्लेयर्स डैमेज दे रहे हैं, लेकिन डिवाइन दैट वाज अ ब्रिलियंट स्प्रे, वैक्सी को यहाँ पर डाउन करेंगे। श्रीमान थोड़ा सा एक अलग एंगल होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे और उनको उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर पनिश किया गया, लेकिन वो अपने फर्स्ट एड्स लगा करके आगे मूव कर सकते हैं डेविल रेस को, लेकिन क्लैश यूनिवर्स सीधा एक ट्रेड के अंदर लेकर आएंगे, वैक्सी को रिवाइव करना एक चैलेंज बन जाता है, क्लैश काफी करीब और उनको स्पॉट किया जा चुका, डैमेज हल्का सा पड़ा था, बट नाउ श्रीमान नोज वेयर टू पीक टू कि कौन से वाले एरिया पर देखना है। लेकिन अब क्लैश यूनिवर्स अभी भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टाइगर भी आगे आ चुके हैं, डेस्ट्रॉय काफी करीब रहेंगे, एक क्लोज इन फाइट हो सकते हैं इस येलो बॉक्स के पास जहां पर डेस्ट्रॉय एक अपर एडवांटेज देंगे, नॉक और फिनिश सीधा निकालेंगे, क्लैश यूनिवर्स आगे मूव कर चुके हैं, राइट हैंड साइड पर जाते तो काफी अच्छा रहेगा, नियर राइट हैंड साइड पर ही जा रहे हैं, यहां से मूव कर सकते थे लेकिन श्रीमान डाउन करेंगे, इंस्टेंट रेड आता है, क्लैश यूनिवर्स को फिनिश किया जाएगा ताकि ये फाइट अपने हिस्से में कहीं ना कहीं लेकर के आ सके, बट डेविल रेस क्या वो स्पॉट कर देगा मेरे को, यस ही डज, काफी कम एचपी पर डेस्ट्रो को छोड़ा गया है, फर्स्ट एड लगा सकते हैं, पहले बैंडेजेस लगाना चाहेंगे, देन में भी लूट करना चाहेंगे, प्लेयर्स जीवित है ओआर के क्लैश यूनिवर्स की जो स्क्वाड है उनके, बट वो क्लैश यूनिवर्स को खो चुके हैं। करेक्ट, एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो आई थिंक क्लैश यूनिवर्स को खोना जितनी बड़ी बात नहीं, उतना अच्छी बात यह है कि इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल एक लाइनअप को डेसिमेट किया, कंप्लीट किया, फिनिश किया, एंड यहाँ पे अगर आप सर्कल की बात करो, लॉस्ट लियोनेस ऑफ लॉस्ट लियोनेस सर्कल बोलूंगा मैं इसको, बिल्कुल पिकाडो के नीचे ओशियन, ये सर्कल बहुत डाइसी है, मतलब बहुत ही रिज फाइट, एक्सट्रीम पहाड़ों के बीच वाली सर्कल है, एंड में हो सकता है हमें वो वन वे वाली चीज जो मैं डिस्कस कर रहा था देखने को मिले। आई एम लविंग वन थिंग एंड दैट इज सांगवान की स्क्वाड ने जो जोन का एरिया होल्ड कर रखा है वो उनको काफी ज्यादा, आई एम टेलिंग यू मार्क माय वर्ड्स, उनको बहुत हेल्प करने वाला है थोड़ी देर के लिए, बस उनको वो होल्ड करना पड़ेगा, वो एरिया बहुत प्यारा है। उनके साइड में हमें थोड़ा सा यू नो एक राइट हैंड साइड पर हमें मॉर्टल का स्क्वाड देखने को मिल रहा था जिनके पास एक अच्छी रोटेशन रही है, वहां पर मैं रेगल टॉस को देख पा रहा था एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो उस तरीके से यू नो काफी जल्दी उस एरिया पर पहुंच पाए, दैट्स अ गुड थिंग। बट इस सर्कल की मैं बात कर रहा हूं कि यू नो ये सर्कल तीसरे चौथे सर्कल तक लाभ बन देता है कि एरियाज को छोड़ देगा, तो इसका मतलब ये बनता है अगर आप पिकाडो के पीछे की बात करें, देर आर हिल्स और उस हिल से पूरा एक स्टीप रहता है, तो अगर आप उस हिल का कंट्रोल अभी ले लेते हो नो डाउट आपको पिकाडो से आने जाने वाली रोटेशंस वाली सारी टीम्स की आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, बट आपको देखना पड़ेगा अगले वाले सर्कल्स क्योंकि वो टीमें आपसे पहले पहुंच जाएंगी, तो आपको अगले वाले सर्कल्स थोड़ा देख परख के खेलने पड़ेंगे बिकॉज दे माइट बी हैविंग दोज एरियाज फॉर देमसेल्व्स, सो ऐसे में आप अभी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो बट यू माइट रिग्रेट इट लेटर, तो आपको रोटेशंस अपनी भी जल्दी देनी पड़ेंगी। बिल्कुल जाएगा यहाँ पे, मीनवाइल अगर हम केटिंग की टीम की बात करें, जी उनके लिए कंस्टेंट यहाँ पे प्रेशर बना रहा है, पर अब धीरे धीरे उन लोग ज्यादा हीट फेस कर रहे हैं, सामने रौनक की टीम भी आ चुकी है, डायनामो की टीम भी आ चुकी है, सो थोड़ा इनको अपने पोजीशन को अच्छे से होल्ड करना होगा, थोड़ा वल्नरेबल है अगर आप देखो एक साइड से, ऑब्वियसली वन मैन के लॉस में वल्नरेबल हो जाते हो स्पेशली, बिल्कुल ये डिफिकल्टी जरूर बन सकते हैं, और आप देख ही सकते हैं कि नो प्लेयर्स जो जिस किसी को भी स्पॉट कर रहे हैं दे आर नॉट इवन स्टॉपिंग, क्योंकि अगर आप इस मिनी मैप को भी देखें ना आसपास तीन चार स्क्वाड्स दिख रही है हमें, इसका मतलब हर किसी को इतने एरिया में हर किसी को पता रहेगा कि नो कौन कहां पर है और कौन किस तरीके से कहां से फाइट्स बना सकता है निकाल सकता है एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन इंडिकेटिंग ऑलराइट वो अभी भी ट्राई कर जरूर रहे हैं किसी ना किसी को पिक करने का, इन्फॉर्मेशंस निकालने का, इन्फॉर्मेशंस देने का अगर वो कर सके, बट आई वुड स्टिल लव टू सी अब अगला सर्कल बनेगा। ऑलराइट, इनके पास ही अगला सर्कल आता है, एक और इनको थोड़ा सा एक सेफ्टी क्वेश्चन मिलता है थोड़ी सी फाइट डिले करने के लिए अगर ये करना चाहे तो। यहाँ पे मीनवाइल सोमराज ने पूरा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया क्लासिफाइड वाईटी के टीम के लिए, एक प्लेयर को पिक ऑफ कर लिया, हंटर चारबा भी वहां पे पिक टॉप है, वहां पे हाइड्रा अल्फा भी है जिनसे को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, एक्चुअली हाइड्रा अल्फा ने वहां पे पिक ऑफ किया, इनका आप बोल सकते हो सपोर्ट था टीम रौनक का जो वहां पे स्प्रे ले रहे थे, प्ले जोन से वार के आदित्य पिक ऑफ हो गए, फोर्थ सर्कल आ चुका है, 17 टीम बचे एंड वहां पे क्रॉन्टन ने जोनाथन को पिक ऑफ किया, एक इंटेंस फाइट हो सकता है हमारे आसपास हमें देखने को मिला, ऑल्दो वी डोंट हैव इट ऑन स्क्रीन,
टीम के 18 हैज अ ह्यूज जोन एडवांटेज. अगर आप उनका जोन एडवांटेज की बात करो, और रायल पिक्स ऑफ क्लच गॉड टीम जोनाथन लुक्स लाइक इन अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड आल्सो वर्क एट डेस्ट्रो भी पिक ऑफ अगेन. आई थिंक क्लैश यूनिवर्स की पूरी स्क्वाड आउटसाइडर सर्कल पिक ऑफ अगेन. आल्सो नियो गोइंग डाउन विथ नोवा किंग एंड यहां पे टीम जोनाथन आई थिंक कंप्लीट वाइप ऑफ हमें देखने को मिलेगा. यस इट्स अ कंप्लीट वाइप आउट. व्हाट अ गेम बाय देम. लेकिन सीधा ही आप देख सकते हैं आतंकी ने वहां पर आकर के जरूर फाइट्स देनी शुरू कर दिया. मतलब हर तरफ से फाइट्स हो रही हैं. प्ले जोन जरूर वहां पर क्लैश यूनिवर्स की स्क्वाड को लेकर के जाता नजर आ रहा है. लेकिन बात यह आती है, आप देखिए नोवा किंग डाउन हो चुके हैं. जो स्क्वाड यू नो अभी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द गुड फाइट्स एंड द बैड फाइट्स. आप एक फाइट लेते हो बट क्या आप अगली फाइट के लिए तैयार हो. और उसी चीज का फायदा यहाँ पर जो स्नैक्स का स्क्वाड है वो उठाता हुआ नजर जरूर आ रहा है. जो हम यू नो फिनिश स्पीड में देख पा रहे थे गमला बॉय वो कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं अल्फा के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए. और जो हम पिकाडो के मेन एरियाज की बात करते हैं वहां पर हमें टीम मॉर्टल नजर आ रही है टीम हाइड्रा के सामने. वेल 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 आई वुड लव टू सी इफ दिस फाइट हैपेंस हाउ इट गोस. राइट ओशन है आल्सो समहाउ फील की मॉर्टल की टीम यहाँ पे एक ट्रैप में. अगर आप उनका पोजीशन देखो उनके आगे की तरफ हाइड्रा की टीम है एंड पीछे रौनक की टीम है. तो इनको एक टीम को फिनिश करके निकलना होगा. एंड आई एम प्रीटी श्योर डायनामो की लाइनअप को पता है कि यहाँ पे एक टीम है एंड दे वुड नॉट रियली वांट देम टू वुड नॉट रियली अलाउ देम टू एस्केप. Meanwhile, अब तो see, it's fourth circle, 15 teams. Obviously, we'll get to see a team everywhere. हर कोने में हमें एक टीम देखने को मिलेगा. So I feel things are hitting up quite a bit. But I am super impressed by the position that team that the dark purple team. I think वो रौनक की टीम है because थोड़ी सी कलर्स में मुझे डिफिकल्टी हो रही है. I think वो रौनक की टीम है जो बहुत प्यारा पोजिशन होल्ड कर रहा है. What do you think about that, Ocean? I would say, अब यहाँ पर जैसे आपने बोला कि जो मॉर्टल का स्क्वाड है वो फर्स्ट चुका है. मैं बोलूंगा वो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है. मैं इसको इस तरीके से देखना चाहूंगा. वो अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि कोई भी टीम मे बी क्योंकि अभी सर्कल इनके पास है तो व्हाट हैपेंस इज अगर सर्कल जैसे दूर जाएगा कोई तो टीम सोचेगी दोनों में से कि हम रोटेट करना शुरू करते हैं तो तब वो ओपन में आएंगे. तब टीम मॉर्टल कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा बहुत अच्छे से उठा सकती है. हमें पता है हमने पिछले गेम में जैसे रेगल टॉस को दिखा था जो स्प्रे कैपेबिलिटीज थी उनकी वो यहाँ पर और अच्छे से देखने को मिल सकती है. बट खैर ये जब होगा तभी उसी समय हम इसके बारे में ज्यादा बात कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हर कोई चाहे पैराडॉक्स की बात करें चाहे आप पीछे रेत की बात कर सकते हैं जो भी प्लेयर यू नो बैठा हुआ है वो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बैठा हुआ है. इनफैक्ट अगर आप यहां पर स्नैक्स की टीम की बात करें चाहे ओपन में इनके पास दो प्लेयर्स आ चुके हैं ये भी यहां से सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं जस्ट टू लुक फॉरवर्ड टू कि जब अगला जोन बनेगा 100% अगला सर्कल इनके ऊपर नहीं होने वाला है लेकिन उससे पहले यहां पर फाइट्स निकाल के यहां से आगे मूव करना है इनको. उस चीज की पूरी तैयारी कर रही है स्क्वाड. राइट एंड यहाँ पे आईएनडी को देखे दे आर समवॉट अनस्टॉपेबल राइट नाउ. जिस तरह से इनके ने जिस तरह से इनके गनशॉट आ रहे हैं आई फील दैट इन लोग सबसे ज्यादा तैयार है यहाँ पे आज पहले यू नो लॉन्च पार्टी को जीतने का. एंड एक नेट मॉली आया अलादीन यस गेट्स हिट एंड उनको बतियाना को ओपन मैन ही इज गोना गेट फिनिश्ड डेफिनेटली. स्प्रे आएंगे ओह समहाउ डॉज्ड इंटरेस्टिंग. पर ओशन ऑल्सो सर्कल शिफ्ट देखो सर्कल शिफ्ट हैज हैपेंड एंटायरली इन फेवर ऑफ टीम डायनामो एंड रौनक की टीम एंड मॉर्टल की टीम. सो आई थिंक वी माइट गेट टू सी अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बिकॉज उनके पास कंपाउंड है द बेस्ट पार्ट इज दे हैव बिल्डिंग्स ओपन में खेलने की जरूरत नहीं है. सो आर वी गोना सी अ वेरी डिफरेंट एंड सर्कल बिकॉज इतने सारे टीम्स ओपन से आएंगे क्या हमें दिखेगा टीम्स गोइंग आउट इन द ओपन एंड ट्राइंग टू टेक दो स्किल्स या वी माइट गेट टू सी सम स्मार्ट प्ले. यहाँ पे मीन वाइल स्केटिंग की टीम स्टिल फाइटिंग इट स्ट्रॉन्ग मतलब दे आर आउटसाइड द सर्कल बट दे नो कि उनके सर्कल के अंदर का जाने का जो पाथ है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है. इसमें वही चीज की बात आती है जो मैंने आपको बोली थी कि नो मिरामार में सबसे डिफिकल्ट सर्कल्स टू होल्ड होते हैं जब आपका जोन घरों के एरियाज के आसपास बनता है. पिकाडो भी यू नो वहां पर भी रहती है बिल्डिंग्स तो उनके आसपास. सो आई वुड वांट टू सी हाउ डिफेंसिव अप्रोच कैन द टीम्स गिव जब बाकी टीम्स एग्रेस करके इनके ऊपर है क्योंकि आप देखिए सर्कल में आते आते यहां से नीचे आ रहे तब आपके ऊपर स्प्रे हो सकते जैसे K18 है इनकी गाड़ी यहाँ पर फंस चुकी है और उनकी हेल्प करी जा रही है जरूर बैक एंगल से एंड कोशिश तो हो रही है. देखिए कोशिश बिल्कुल है तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैं ड्राइवर बदल दूंगा या मैं ड्राइवर बदल दिया वो दूसरी गाड़ी के अंदर आ चुके हैं. लेकिन आगे जाते जाते अगर उनको स्पॉट किया किसी ने भी ऐसा नहीं कि एक तरफ से स्प्रे आएंगे तीन अलग अलग डायरेक्शन से उनको स्प्रे आ सकते हैं यहाँ पे. करेक्ट एंड यहाँ पे देखते हैं किस तरह से यू नो 8-bit के टीम की टीम किस तरह से बैंगिंग तो कर चुके हैं यहाँ पे पर क्या इन लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंट कर पाएंगे. विल दे बी एबल टू एंटर द कंपाउंड. बट अगर आप ऊपर देखो वहाँ पे हमारे पास नेडेक्स की टीम है जो यहाँ पे पूरा K18 की टीम को डेसिमेट करेंगे. बहुत ही प्यारा फायदा उठाया उन्होंने अपने हाइट के अपने पोजिशनिंग का एंड दे पिक इट ऑफ एंड K18 गेट फिनिश ऑफ बाय सोल स्काउट. इंटरेस्टिंग एंड वहाँ पे पंक एज वी नो
बहुत ही प्यारा प्लेयर, बहुत ही प्यारे तरीके से पिक ऑफ करते हैं, पर आईएनडी को देखो, दे आर स्टिल फोर मैन स्ट्रॉन्ग, उनके आसपास कोई नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट ओपी रोटेशन, क्रेटोस इज द पिकासो, मतलब अगर रोटेशन अगर आर्ट है तो क्रेटोस इज द पिकासो ऑफ इट, एंड वो हमें ये प्रूव कर रहे हैं कि ये कैसे किया जाता है। एंड द फिनिश ऑफ आईएनडी, फिनिश ऑफ हाइड्रा, टीम आईएनडी, टीम स्नैक्स इज ऑन अ रोल राइट नाउ, ओशन इज अनबिलीवेबल, जिस तरह से उन लोग खेले, इट फील्स कि उन लोग मतलब क्या, मतलब किस लेवल की तैयारी और प्रैक्टिस है ये। I told you era of Daljeet has started. ये जो आखिरी पिक अपने मिनी 14 से Daljeet ने ऑफ एंगल से निकाला, हम देख दूसरे प्लेयर को रहेगा आतंकी को रहे थे, लेकिन दूसरी साइड पर Daljeet थे और उन्होंने एक बेहतरीन पिक निकाला। So this is what Daljeet is capable of. जब भी ऐसे मैप्स तो आते हैं, हमें पता है Daljeet आउटशाइन कर सकते हैं, वो कैपेबिलिटी रखते हैं, बट देखते हैं अब क्या करती है ये टीम आगे, क्योंकि सर्कल का एरिया तो अच्छा है इनके पास, लेकिन उसके साथ साथ बात है कि अभी इन पे कोई फाइट नहीं है। हाँ, ये फाइट अपने ऊपर ले सकते हैं और किसी प्लेयर को ओपन स्पॉट के लिए उनको यू नो पिक ऑफ निकाल सकते हैं, बट अब थोड़ी देर के लिए क्योस को या कुछ सेकंड्स के लिए क्योस रुकने वाला है, क्योंकि अब अगला सर्कल जैसे बनेगा सब टीम्स एग्जैक्टली अगला सर्कल लेके हर टीम को बाहर मूव करना, हर टीम को अपने घरों से अपने कंफर्ट जोन से बाहर मूव करना है अब यहां पर तक। करेक्ट, एंड यहाँ पे अगर अभी हम देखें कि किस तरह से टीम्स यहाँ पे कंपाउंड से भागना चाहेंगे, फाइट किल्स लेना चाहेंगे, व्हाट इज गोना बी द अल्टीमेट गोल, आई फील कुछ टीम्स है जो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड, अगर आप देखो जो स्प्लिट खेल रहे थे इस सर्कल में काफी बड़ा, उनके पास एटलीस्ट आप बोल सकते हो जोन में कमांड है, पर बाकी टीम्स को पूरा स्मोक पाथ बना के जाना होगा। इट्स गोना बी रियल फन एंड एक्साइटिंग टू सी कि किस तरह से वो खेलते हैं। मीनवाइल घातक का एक प्यारा नेड आते हुए डायनामो को इंस्टेंटली नॉक किया, आई थिंक ये घातक के टीम के लिए एंट्री पॉइंट बन सकता है, एंड ही माइट जस्ट बी एबल टू मेक एन एंट्री, बिकॉज आप देख सकते हो जोन के बहुत एज पे है, एंड अब बिकॉज उनके पास पिक है, स्मोक पाथ बना के घुसना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होगा। इट माइट जस्ट बी रियली इजी फॉर देम, और उस चीज की शुरुआत यहाँ पर प्लेस कर भी चुके हैं, स्मोक मास अपने लिए बन रहे हैं, लेकिन अब बात आती है कि आप देखिए अगर आप मॉर्टल को देखें उनके पीओवी से उनको यू नो 83 मीटर्स उनको सर्कल के अंदर जाना है, तो उसके लिए अभी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी ऐसे करना पड़ेगा कि वो स्पॉट ना हो कहीं ना कहीं से। और रेगल टॉस यहाँ पर आगे सोमराज से पहले नहीं कुछ करेगा, अच्छा ग्रेनेड लॉब यहाँ पर किया गया है, ये डैमेज दे सकते हैं, ये डैमेज मिला भी है सोमराज को, आई नो रेगल टॉस को इन्फॉर्मेशन अभी के लिए पता है, उनको पता है कि डैमेज उन्होंने दिया जरूर कितना डैमेज वो क्रूशियल बन जाता है, अदरवाइज वो उसी डायरेक्शन में जा सकते थे फाइट निकालने के लिए। मीन में लेट वहां पर खाते को डाउन किया, और यहां पर रेगल टॉस सांगवान को पिक करते नजर आएंगे, और सात टीमें 22 लोग बचे हमारे पास, 23 मिनट हो चुके हैं इस गेम के अंदर तक। राइट, एंड यहाँ पे अगर आप देखो जिस तरह से वहां पे क्लाउनी काफी जरा तकलीफ में, बट काफी गलत फंसे अगर आप देखो हाइड्रा के प्लेयर्स, दोनों तरफ उनके के प्लेयर है, यहाँ पे मॉर्टल वर्सेस सोमराज, मॉर्टल कमिंग अप विद अ पिक, बहुत ही प्यारा एकेएम का पिक किया, आई थिंक डेगल्टस वहां पे फिनिश हो जाएंगे, मॉर्टल अनफॉर्चुनेटली उनको कवर में बचा नहीं पाए, बट ही डिड टू कट ट्रेड जो शायद किल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मॉर्टल का एक नेड आते हुए, यहाँ पे हमें कुछ पिक्स कुछ नॉक्स देखने को मिलेंगे, बट इट्स अ फर्स्ट फ्लोर नेड, आई एम नॉट रियली श्योर how great was that idea, but still four finishes, Mavi काफी ज़्यादा damage है, and yes he gets completely taken off, इनके लिए जो zone का entry होना है वो बहुत ज़्यादा difficult होने वाला है, because उनके बिल्कुल सामने there is Gamla Boy का team, and scout वहाँ पे एक net cook किया, ये net थोड़ा impactful हो सकता है क्या? अभी के लिए देखना पड़ेगा कि यू नो कितना ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, क्योंकि आप देखिए वो अभी कुक कर रहे हैं और वो वहां पर थ्रो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आगे मूव करने की उनकी शुरुआत हो चुकी है, उससे इंफॉर्मेशन अगर निकल सकता तो मैं देखना चाहता किस तरीके से था। क्रेटोस ने वहां पर सोमराज को जरूर पिक कर लिया, डायनामो आगे मूव करना चाहेंगे, अकेले बच्चे अपने टीममेट्स को वहां पर रिवाइव दे नहीं पाएंगे अभी के लिए, और उनके ऊपर प्रेशर हर साइड से, यही बात कर रहे थे हम, तीन चार डायरेक्शन से प्रेशर आएगा, मॉर्टल को यहाँ पर पिक किया जाएगा, स्काउट आगे मूव कर रहे हैं, अकेले बचे हुए प्लेयर है अपने लिए सेफ्टी क्वेश्चन, 11 मीटर का फासला है इनके सर्कल के बीच में, लेकिन आप चाहे 1 मीटर दूर हो चाहे 11 मीटर, जोन आपको डैमेज देगा, उनको सर्कल में मूव करना ही पड़ेगा जैसे अगला सर्कल बनेगा। मिंगल अंतर्यामी का स्क्वाड अच्छे एरिया को होल्ड करके बैठा है, लेकिन जैसे अगला जोन बनेगा दिक्कत हो जाएगी, और आईएनडी जो स्नैक्स का स्क्वाड है, दे माइट जस्ट बी मूविंग फॉर अनदर चिकन डिनर। राइट, एंड अगर आप देखो आईएनडी जिस तरह से यहां पे खेल रही है, दे आर अनस्टॉपेबल राइट नाउ, 9 finishes ऑलरेडी हो चुके हैं, डाउन टू 4v3v2, एंड आई गेस यहाँ पे देयर इज नो वन दैट कैन टेक दिस अवे फ्रॉम देम। इनका रोटेशन अगर आप देखो जिस तरह से इन लोग रोटेट किए, दे हैड देयर यू नो अप्स एंड डाउन्स इस पूरे गेम में, काफी बार इन लोग पिक भी हुए, बट दे हैव बीन सो कंसिस्टेंट, देयर कवर फायर्स आर स्टिल ऑन पॉइंट, एंड क्रेटोस का अगर हम जोन रीडिंग की बात करें, आई थिंक द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट फॉर आईएनडी राइट नाउ, जो क्रेटोस ने इनको 5th circle में एंट्री दिलाया था, जब मैंने पॉइंट आउट किया था कि देखिए यहाँ पे कोई प्लेयर ही नहीं है जो आईएनडी के सामने है, आई थिंक दैट इज वेयर द गेम चेंज फॉर टीम आईएनडी। मीनवाइल यहाँ पे अंतर्यामी के टीम की तरफ से भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, एक हाई हील कप से होल्ड कर रहे हैं, एंड वहां से इन्होंने काफी डोमिनेट किया, 7 finishes ले चुके हैं, नाउ दे आर मूविंग इन, बट दे हैव दिस ह्यूज हर्डल ऑफ टीम आईएनडी इन फ्रंट। IND has become a hurdle for every team right now. इनके चारों players जीवित रहते हैं तो IND is
रियली डेंजरस एट दिस मोमेंट। स्नैक्स की अगर मैं बात करूं, काफी बेहतरीन प्लेयर है, आप देखें तो इनके पास हेलमेट नहीं बचा है, तो ये फाइट्स में एग्रेस खुद तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन टॉक्सिक कैप्टन आगे मूव करें, इनको लेफ्ट हैंड साइड देखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड नहीं देखा मुश्किल इनके लिए बहुत बन सकती है, बट व्हाट इज हैपनिंग ऑलराइट, ही इज जस्ट मूविंग अप फॉरवर्ड, तो अब इनको बैक हैंड साइड देखना पड़ेगा, इनके ऊपर एक बहुत यहां पर गलत बैक स्टैब हो सकता है, आई डोंट नो इफ ही इज अवेयर ऑफ दैट और नॉट, अंतरयामी भी आगे की तरफ को मूव करना जरूर चाहेंगे, आईएनडी वेल दे आर नॉट स्टॉपिंग, उनके पास जो भी चैलेंज आ रहा है दे आर रेडी टू फेस दैट चैलेंज, और वो यहां पर नजर आ रहा है। मैं सेंसे को देखना चाहता हूं इस समय कि सेंसे क्या करते हैं, क्योंकि उनके सामने से यहां पर दो प्लेयर्स गए हैं, टॉक्सिक कैप्टन और अंतर्यामी, तो सेंसे क्या यहां पर वो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, और डेल्टा भी जो एक अलग एंगल होल्ड करके बैठे हैं। करेक्ट, एंड यहां पे दलजीत को देखे ही इज मूविंग, अच्छा ओके, तो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट अ प्लेस इनसाइड, मुझे लगा वो पुश करना चाह रहे हैं, बट उनको पता है कि उनके चारों आसपास प्लेयर है, ही हैज अ गुड रिज, वहां पे शायद एक ही एंगल से वो एक्सपोज्ड है, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। क्रेटोस मीनवाइल एक किल के साथ पूरा ड्रॉप लूट के यहां पे एयूजी भी है, उनके पास सब कुछ लेवल 3 का है, बट दिस शुड बी वेरी इजी फॉर आईएनडी टू क्लोज इट ऑफ, 4v2v1v1 का सिचुएशन है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या, टॉक्सिक कैप को पता नहीं, टॉक्सिक कैप्टन को, कि उनके पीछे सेंसे है, दिस इज वेयर थिंग्स माइट गेट इंटरेस्टिंग, जब वो रिज पे जाके हाइट के पुश करना चाहेंगे, देन पीछे से हो सकता है कि सेंसे निकले एंड यू नो गेट्स इन दोस टू किल्स फॉर हिज टीम प्लस द प्लेसमेंट बाय का एडवांटेज। द वर्स्ट पार्ट इज अभी आप देखिए अंतर्यामी जस्ट अभी सर्कल में पहुंचे, 10 मीटर और आगे जाना, 10 मीटर आगे जाना मतलब इस छोटे से रिज को इनको क्रॉस करना पड़ेगा, और वहां पर प्लेन स्पॉट कर सकते हैं, स्नैक्स को स्पॉट किया अंतर्यामी, ब्रिलियंट नॉक कमिंग अप फ्रॉम अंतर्यामी, इनकी कोई फिनिश नहीं है अभी के लिए, लेकिन ये फिनिशेस यहां से शायद शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ये दो प्लेयर्स उन चार प्लेयर्स पर कैसे रश करेंगे, क्या इनके पास थ्रोएबल्स हैं, अगर यूटिलिटी यूसेज यहां पर देखने में बेहतरीन हो सकता है, दलजीत वहां पर रिवाइव जरूर करें, क्रेटोस एक अच्छा एंगल होल्ड कर चुके हैं, इनको हल्का हल्का आगे जाना है, टॉक्सिक कैप्टन आगे मूव करके एक और एंगल रिवाइव देने की कोशिश, स्नैक्स को एक और बार नॉक किया जा चुका है अंतर्यामी के द्वारा, टॉक्सिक कैप्टन की एज भी बहुत कम बची है, खुद को हील करना पड़ेगा, बट अंतर्यामी इज द वन हु इज प्रेशराइजिंग द टीम राइट नाउ, प्रेशर निकाल रहे, बट वेल सेंसे को अभी तक नहीं देखा इन्होंने, ही इज फुली इंटरेस्टेड इन दैट फाइट, इफ सेंसे क्लचेस इट आउट समहाउ दैट विल बी अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजी जस्ट थिंक अबाउट, बट वेल आई इंडिया के मूव करना शुरू कर चुके हैं, टॉक्सिक कैप्टन अब स्पॉट कर चुके हैं, उनके पीछे शायद कोई हो सकता है, बट अब उनको आगे का ध्यान पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर हमें को फिनिश यहां पर किया जाएगा, आतंकी 5 फिनिशेस, ही इज ऑन अ रैम्पेज, ही इज नॉट स्टॉपिंग, सेंसे को भी शायद स्पॉट कर चुके हैं, हल्की सी मूवमेंट इन्होंने स्पॉट कर दी और वो सर्कल के बाहर है, तो वो अपने आप को हील करते करते यहां पर फिनिश हो सकते हैं, इंडिया सी फिनिश्ड अप, अब एक आखिरी प्लेयर बचा, आई एंडिंग वेल दिस इज द सेकंड वन फॉर देम, दे हैव अ हैट्रिक चांस एक्चुअली नाउ, what a game by IND once again getting a 12 kill chicken dinner and they are unstoppable on a roll and domination jisko hum baat kar rahe hain this is sheer domination